दिया क्लासमेट। कहानी है पूना की। आयुष पूना के डीके पाटिल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उसका 12वीं तक का पूरा एजुकेशन भी डीके पाटिल कॉलेज से ही हुआ था। आयुष IAS बनना चाहता था और कॉलेज की लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ता था। एक दिन आयुष ने लाइब्रेरियन से पूछा, टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा, शायद कोई लेके गया है। आयुष चौंक गया क्योंकि उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाला कॉलेज में कोई दूसरा नहीं था। आयुष दूसरा न्यूज़पेपर उठाकर अपनी जगह बैठ गया। तभी उसका ध्यान गया कि उसके साइड में बैठा एक लड़का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था। आयुष ने लड़के से पूछा, IAS की तैयारी कर रहे हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेहुल, फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। अरे फिर तो हम क्लासमेट्स हैं। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें, 12वीं तक कहाँ थे? इसी कॉलेज में था, मैंने देखा है तुम्हें। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। इस प्रकार दोनों बातें करते गए और जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। फिर दोनों रोज दिन रात एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने लगे। एक दिन आयुष कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्त नेहा और वरुण के साथ था। क्या लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ाई करते हो? अकेले बोर नहीं होते? मैं अकेला थोड़ी रहता हूँ, मेहुल भी तो रहता है। कौन मेहुल? अरे वो जो मेरे बगल में बैठता है, अपना क्लासमेट है, मेरे साथ हर लेक्चर अटेंड करता है। मैंने तो तुम्हारे साथ कभी किसी मेहुल को नहीं देखा। क्या कह रही हो, रुको मैं अभी उसे यहाँ बुलाता हूँ। आयुष ने मेहुल को कॉल लगाया तो मेहुल का मोबाइल स्विच्ड ऑफ था। आयुष परेशान हो गया तो नेहा बोली, ठीक है बाबा, होगा कोई मेहुल, वैसे भी मेरा ध्यान मेहुल पर नहीं, वरुण पर रहता है। ऐसा कहकर नेहा वरुण से लिपट गई और आयुष भी फ्री हो गया। एक रात आयुष और मेहुल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी, लाइब्रेरियन को नींद आ गई और उसने आयुष से कहा, भाई आयुष, अब लाइब्रेरी तुम ही संभालो, मैं चला, तुम्हारा हो जाए तो नीचे चपरासी को ताला लगाने को बोल देना। लाइब्रेरियन चला गया और आयुष मेहुल के साथ फिर से किताब में खो गया। पढ़ते पढ़ते अचानक आयुष का ध्यान मेहुल की किताब पर पड़ा तो वो चौंक गया क्योंकि वो किताब बिल्कुल कोरी थी। आयुष ने मेहुल की किताब छीन ली और उसके पन्ने पलटे तो किताब में एक भी अक्षर नहीं था। किताब पूरी कोरी है और तुम 2 महीनों से यही किताब पकड़े बैठे हो, चक्कर क्या है भाई? ऐसा कहकर आयुष ने अपने बगल में देखा तो मेहुल वहां था ही नहीं। ये देखकर आयुष काफी डर गया। मेहुल कहाँ गायब हो गया? नेहा भी कह रही थी उसने मेहुल को कभी देखा नहीं, लाइब्रेरियन भी लाइब्रेरी की जिम्मेदारी मुझे दे गया, वो मेहुल को भी तो दे सकता था। क्या इन लोगों ने मेहुल को कभी देखा ही नहीं? क्या मेहुल सच में नहीं है? ये किताब, ये मेहुल का गायब होना, ये सब क्या है? अचानक लाइब्रेरी की सारी लाइट चली गई और आयुष और ज्यादा डर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लाइट का वेट करने लगा। अचानक लाइट आ गई, आयुष खुश हो गया, उसने आंखें खोली, लेकिन जब उसने बगल में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके बगल में मेहुल का डरावना भूत बैठा था। मेहुल, ये सब क्या है? मेहुल नहीं, मेहुल का भूत, और यह जो तू देख रहा है इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, वस्तु है। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। याद कर वह 1 साल पहले की HSC एग्जाम जिसमें तुमने एक लड़के को चीटिंग करते पकड़ा था। ये सुनकर आयुष 1 साल पीछे गया तो उसे बायोलॉजी का एग्जाम याद आया। सर, ये चीटिंग कर रहा है। ए, चल खड़ा हो जा। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर। 2 मिनट के अंदर निकल जा यहाँ से, नहीं तो HSC एग्जाम से रस्टिकेट हो जाएगा। जानता है, एग्जाम हॉल से बाहर आते ही मैंने क्या किया, तू कैसे जानेगा? तू तो एग्जाम में बिजी था, मैं बिल्डिंग से नीचे कूद कर मर गया, और अब तुम्हें मारने आया हूँ। देखो मेहुल, माना कि गलती मेरी है, पर तू भी तो गलत था ना, चीटिंग कर रहा था, चीटिंग गलत है। नहीं, अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है।
ये सुनकर आयुष डर गया। क्या करने वाला है तू? मेहुल ने आयुष का गला पकड़ लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। आयुष लाइब्रेरी के पांचवें मंजिल से जमीन पर गिरते ही मर गया और मेहुल लाइब्रेरी की खिड़की से उसकी लाश को मुस्कुराते हुए देखता रहा।